नेहरू ने खुद पर बनाए कार्टून पर कैसे व्यक्त की अपनी भावनाएं? बाल ठाकरे ने ली थी कौन सी तीन प्रतिज्ञा? मराठी मानुष के नारे से हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि तक। नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। हाथ में रुद्राक्ष की माला, शेर की दहाड़ वाली तस्वीर और आवाज तानाशाह वाली। सब कुछ राजनीति नहीं थी। राजनीति को खारिज कर, सरकारों को खारिज कर, खुद को सरकार बनाने या मानने की ठसक थी, जिसके पीछे समाज की उन ताकतों का इस्तेमाल था जिसे पूंजी हमेशा हाशिए पर ढकेल देती है। मुंबई के म्यूनिसपैलिटी से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाली पार्टी प्रदेश और देश की राजनीति के लिए इतनी अहम हो जाएगी किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने सांसद भी बनवाए, मेयर बनाए और मुख्यमंत्री भी। मी मुंबईकर का नारा लगाकर मराठियों को जोड़ा और मी हिंदू की राजनीति कर हिंदू हृदय सम्राट कहलाए। अंग्रेजी का मशहूर फ्रेज है, आइदर यू कैन एग्री और डिसएग्री बट यू कांट इग्नोर हिम, यानी आप सहमत या असहमत हो सकते हैं लेकिन नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस कुर्सी पर हम बैठने हैं वही सिंहासन होता है, ये कथन बाला साहेब ठाकरे के थे। आपस में विरोधी बातें से बना चरित्र, हिंदुस्तान के सियासत का विचित्र किरदार, किसी ने नफरत का खलनायक बताया तो किसी ने नस्लवादी तक बता दिया। एक बहुत बड़ा तबका उन्हें घोर सांप्रदायिक भी मानता है। अपनी मर्जी से काम करने वाले बाला साहेब को तानाशाह और रिमोट कंट्रोलवादी भी कहा गया। न जाने क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन बाला साहब ने परवाह नहीं की और किया वही जो मन ने कहा और कभी किसी की नहीं सुनी। मौके पर मंसूबे छिपा लेते लेकिन फिर उभर आती वो कड़वाहट जो उनकी पहचान बनती रही। कई बार तो वही करते पाए गए जिसके लिए विरोधी की गिरेबान पर हाथ डाला था। गांधी नेहरू परिवार की राजनीति का विरोध किया, सोनिया के प्रधानमंत्री बनने का विरोध किया, पर जब महाराष्ट्र की सरकार के मंत्री आदेश लेकर ही सरकारी काम करते, योजना बनाते तो गर्व महसूस करते। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने अपने जीवन में तीन प्रतिज्ञाएं की थी। एक प्रतिज्ञा ये थी कि वो कभी अपनी आत्मकथा नहीं लिखेंगे, दूसरी प्रतिज्ञा ये थी कि वो कभी किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ेंगे और तीसरी प्रतिज्ञा ये थी कि वो कभी कोई सरकारी पद नहीं हासिल करेंगे। सरकार से बाहर रहकर सरकार पर नियंत्रण रखना उनकी पहचान थी। ऐसा क्या रहा कि बाल साहब ठाकरे इतने खास बन गए? ऐसा क्या रहा कि विरोध के बावजूद लोग लगातार उनसे जुड़ते चले गए? ऐसा क्या रहा कि बिना किसी ओहदे के सत्ता के शतरंज में उन्होंने लगातार शह और मात का खेल खेला? ब्रिटिश राइटर के नाम से ठाकरे टाइटल लिया गया। 23 जनवरी 1926 को पुणे के सदाशिवपेड़ इलाके में गाड़गिल रोड के पास एक घर हुआ करता था जो अब नहीं है। इसी घर में केशव प्रबोधन ठाकरे और रमाबाई केशव ठाकरे के परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया बाल ठाकरे। बाद में इसी बच्चे को दुनिया बाला साहेब ठाकरे के नाम से जानने लगी। 5 बहनें सुधा, पद्मा, शीला, सरला और संजीवनी और 4 भाई बाला साहेब श्रीकांत, रमेश और रामा भाई हरेन के साथ बचपन बेहद सादगी से गुजरा। पिता केशव प्रबोधन ठाकरे समाजसेवी और क्रांतिकारी लेखक थे। कहा जाता है कि ठाकरे टाइटल एक ब्रिटिश राइटर के नाम से लिया गया था। वे ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के पक्ष में लिखते और काम करते, जिसकी सजा उन्हें अक्सर मिलती थी। अक्सर विरोधियों के हमले से घिरे रहते। हालांकि बाला साहेब पर दलित विरोधी होने के आरोप भी लगे। पिता को अपनी बात पर ऐसे हालात के बावजूद अपनी बात पर टिके रहने की वजह से प्रबोधांकर की टाइटल दी गई। बाला साहेब पर बचपन से अपने पिता का प्रभाव था। भाइयों में सबसे बड़े होने की वजह से वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार समझे गए। सामाजिक व्यवस्था के बावजूद बाला साहेब के पिता हर बच्चे की क्षमताओं का पूरा ख्याल रखते। पिता रोज नन्हे बाल ठाकरे को कार्टून का गुण सिखाते। जब बाल ठाकरे अच्छे स्केचिंग करने लगे तो पिता ने उन्हें स्याही और कूची ला कर दी और फिर ठाकरे की जिंदगी को दिशा मिल गई। पिता के डायरेक्शन में ठाकरे कार्टूनिस्ट बन रहे थे। इस बीच परिवार पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गया। इतने बड़े परिवार को पालने के लिए पिता जद्दोजहद में लगे। बच्चे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। बाला साहेब के भाई और राज ठाकरे के पिता श्रीकांत ठाकरे की संगीत में रुचि देखकर पिता ने उन्हें इसी रुचि में आगे बढ़ाया। देश आज़ादी की लड़ाई में जुटा था और मुंबई में भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी था। नेहरू ने खुद पर बनाए कार्टून को लेकर ऐसे व्यक्ति की भावनाएं। देश में चल रहे आंदोलन के दौर में बाला साहब जवान हुए, पढ़ाई पूरी की और फ्री प्रेस जर्नल में बतौर कार्टूनिस्ट नौकरी पकड़ी। उनके बनाए कार्टून को देखते ही देखते जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। मौजूदा हालात और जनता की परेशानी पर वे बेहद तीखे हमले करते। बाला साहेब ठाकरे ने एक बार नेहरू जी का कार्टून बनाया। पंडित जी ने जब वो कार्टून देखा तो उन्हें बेहद पसंद आया। उन्होंने ठाकरे से मुलाकात की और कार्टून पर अपने दस्तखत कर अपनी भावनाओं का इजहार किया। कार्टून बनाने की बाला साहेब की शैली बेहद विचित्र बताई जाती है। वो अपने दिमाग में विषय को सोचते, कागज लेकर बिना पेंसिल से ढांचा बनाए, स्याही और ब्रश से काम शुरू करते।
नतीजा था कि समकालीन कार्टूनिस्ट के बीच मजबूत साख बनती गई। उस वक्त का बंबई। 1949 में बाला साहेब की शादी मीना ताई के साथ हो गई। शादी के बाद बाला साहेब की जिंदगी में बदलाव आया, घर बदला और रहन सहन भी। कुछ वक्त बाद कार्टून बनाने वाली संवेदना जमीन पर अपना काम खोजने के लिए छटपटाने लगी और देश दुनिया में अपनी शैली के लिए मशहूर ठाकरे की नींव तैयार होने लगी। आजादी के बाद हिंदुस्तान में भाषाई आधार पर राज्य बनाए गए। इसने महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी का विवाद पैदा कर दिया। बाला साहेब ठाकरे के पिता केशव प्रबोधन ठाकरे इस आंदोलन के अगुवा बने। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन जोर शोर से चला। मुंबई में गैर मराठियों का प्रभुत्व उस राजनीति का मौका बन गया जिसका खामियाजा आज भी उत्तर भारतीयों को भरना पड़ता है। इसके शुरुआती दौर में निशाने पर दक्षिण भारतीय और गुजराती थे। बाला साहेब अपने पिता के साथ इस आंदोलन से जुड़ गए। लोगों के बीच ठाकरे की पहचान युवा तुर्क के तौर पर होने लगी। संयुक्त महाराष्ट्र की मांग। ठाकरे के आग उगलते भाषणों से ज्यादा लोगों को आंदोलन से जोड़ा। संयुक्त महाराष्ट्र की मांग पर आंदोलन ने जनवरी 1960 में गोलीबारी हुई, 105 लोगों की जान गई। उस वक्त मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री थे। बाद में इन्हीं शहीदों की याद में मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन को हुतात्मा चौक का नाम दिया गया। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग राज्य बने। इस बीच बाल ठाकरे के परिवार में भी बढ़ोतरी हुई। उन्हें 3 बेटे जयदेव, बिंदु माधव और उद्धव। बाल ठाकरे के साथ उनका परिवार भी रहता था। बड़े परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज ठाकरे के पिता और अपने छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे के साथ मिलकर बाल ठाकरे ने मार्मिक नाम की पत्रिका निकाली। यह क्षेत्रीय भाषा में अपनी तरह की अकेली पत्रिका थी। जल्द ही मार्मिक ने लोगों के बीच अपनी जगह बना ली। मार्मिक के जरिए मराठी मानुष का मुद्दा उठाने के साथ ही उस दौर की राजनीति पर तीखे कार्टून भी बनाए गए। पत्रिका ने ठाकरे की प्रसिद्धि को हर अंक के साथ बढ़ाया। मार्मिक के खास अभियान ने बाला साहेब को जन आंदोलन से राजनीति की ओर मोड़ा। मराठी मानुष और नौकरियां। 1961 के दौर में मराठी प्रभुत्व वाले महाराष्ट्र में हर काम के लिए मराठी भाषकों की खोज हो रही थी। आकाशवाणी की बिल्डिंग के अंदर मराठी प्रोग्राम में मराठी भाषकों की कमी के चलते इस बिल्डिंग के अंदर काम बंद कर देना पड़ा। जब ये बात बाल ठाकरे को पता चली तो उन्होंने अपने मार्मिक के अंदर एक सीरीज चलाई। हर ऑफिस के अंदर काम करने वाले मराठी और गैर मराठियों की पूरी लिस्ट छापी जिसका शीर्षक था देखो और चुप बैठे रहो। सीरीज के टाइटल बदलते नए बेरोजगारी मराठी युवक बाला साहेब से जुड़ते गए। महाराष्ट्र में मराठी पहले का आंदोलन काफी तेज हो गया। इस आंदोलन के जरिए बाला साहेब मुंबई और महाराष्ट्र के हर घर में पहुंच गए। मराठियों के लिए कुछ करने की मांग और इरादा आपस में मिल गए और शिवसेना की धुंधली तस्वीर उभरने लगी। शिवसेना की स्थापना 19 जून 1966 को छत्रपति शिवाजी के आदर्श हर हर महादेव के नारे और जय महाराष्ट्र के बोधवाक्य के साथ शिवसेना का गठन हो गया। बेलगाम आंदोलन चलाया गया, विध्वंसक हो गया और पुलिस फायरिंग में 69 लोगों की जान गई। बाला ठाकरे को गिरफ्तार किया गया। बाद में मुख्यमंत्री ने जेल में बाला साहेब से अपील करवाया और हालात संभले। ठाकरे जेल से बाहर निकले तो उन्हें सत्ता के ताले की बड़ी चाबी अपने पास होने का भान हो गया। 1970 में बाला साहेब ने मुंबई में रह रहे दक्षिण भारतीयों के खिलाफ जंग छेड़ दी। बाला साहेब ठाकरे ने एक नारा दिया, लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ। इस नारे के साथ ही मराठी मानुष हावी होते गए और उन्होंने सरकारी दफ्तरों, गैर मराठी लोगों पर हमले शुरू कर दिए। दक्षिण भारतीय फिल्में चलाने वाले सिनेमाघरों में भी तोड़फोड़ हुई। ट्रेड यूनियन पर कब्जा और लाल झंडे वालों से सामना। फिर माटी के लाल आंदोलन के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र के नौकरियों पर मराठियों के पहले हक का मुद्दा उठाया। ऐसे में उनका सामना लाल झंडे वाले साम्यवादियों से हुआ जो मुंबई की ज्यादातर ट्रेड यूनियन पर काबिज थे। कहते हैं कांग्रेस ने साम्यवादियों के खिलाफ ठाकरे की मदद की। इस दौरान शिवसेना पर भी गंभीर आपराधिक आरोप लगे। 5 जून 1970 को ट्रेड यूनियन के नेता और विधायक कृष्ण देसाई की हत्या हो गई। दिल्ली कामगार यूनियन के दफ्तर में आग लगा दी गई। 19 आरोपियों में से 16 अपराधी साबित हुए। कम्युनिस्ट से शिवसेना का काम बताया हालांकि बाला साहब का इस हत्याकांड से जुड़ाव कभी सामने नहीं आया। ठाकरे ने मुंबई की ट्रेड यूनियन से एक एक कर लाल झंडे को खदेड़ दिया। मुंबई के कामगार यूनियन का मतलब शिवसेना हो गया। पटरी से फैक्ट्री तक और रेहड़ी से ऑफिस तक हर जगह शिवसेना की यूनियन ने कब्जा जमा लिया। अब शिवसेना प्रमुख के एक इशारे पर मुंबई बंद होती और देश हिल जाता। राजनीति में एंट्री। शिवसेना का पहला सियासी इम्तिहान ठाणे म्यूनिसिपल चुनाव में हुआ। शिवसेना ने इस चुनाव में 40 में से कुल 15 सीटों पर कब्जा जमा लिया। ये जीत शिवसेना के लिए एक बड़ा संकेत था। गिरगांव और दादर की जनता ने बाल ठाकरे पर भरोसा जताया। इस चुनाव के बाद बाल ठाकरे मराठियों के घोषित नेता बन चुके थे। शिवसेना के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुकाम था। 1985 से शिवसेना जो बीएमसी पर काबिज हुई तो उसे आज तक कोई हिला नहीं सका। महाराष्ट्र के निकायों में शिवसेना का वर्चस्व उसका सियासी भविष्य बन गया। साल 1989 में जब शिवसेना को लगने लगा कि राष्ट्रीय फलक पर छाना है तो किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ना होगा और पार्टी ने भाजपा का दामन थाम लिया। बाल ठाकरे के हिंदुत्व में जो प्रखरता और धार थी वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुफीद थी।
आपातकाल का सपोर्ट। फिर आया आपातकाल का दौर। 1975 में इंदिरा गांधी ने आरएसएस समेत सारे संगठनों को बैन कर दिया। शिवसेना पर भी बैन लगाने की तैयारी चल रही थी। अंदाजा लगाया जा रहा था कि ठाकरे को अब दोबारा जेल भेजा जाएगा, लेकिन बाल ठाकरे ने सारे कयासों को गलत साबित कर दिया। खुल के इमरजेंसी का सपोर्ट किया, कभी इंदिरा को तो कभी संजय गांधी को महान नेता भी बताया। शिवसैनिकों ने तर्क दिया कि बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी इंदिरा गांधी से मिलती है, इसलिए सपोर्ट किया गया। इमरजेंसी के 2.5 साल तक शिवसेना ने कुछ नहीं किया। कोई नौकरी की डिमांड नहीं, कोई बॉर्डर इशू नहीं, कोई भाषणबाजी नहीं। शिवाजी पार्क में शिवसैनिक ने ली सीएम की शपथ। 1995 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने 288 में से 138 सीटें जीत ली। बाकी 7 सीटों का जुगाड़ हो गया, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक पार्टी छोड़कर आ गए। शिवसेना के मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री। 14 मार्च 1995 को मनोहर जोशी ने शिवाजी पार्क में शपथ ली, वहीं जहां शिवसेना ने अपना सफर शुरू किया। महाराष्ट्र में पहली बार कोई मुख्यमंत्री राजभवन के भवन की बजाय खुले में शपथ ली थी। फिर मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को हटा दिया गया और एक मराठा नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसी साल इलेक्शन कमीशन ने बाल ठाकरे पर 6 साल का कम्युनल स्पीच के लिए चुनाव लड़ने और वोट देने पर प्रतिबंध लगा दिया। उद्धव को बनाया उत्तराधिकारी और राज ठाकरे ने पकड़ी अलग राह। महाराष्ट्र की सियासत पर राज करने वाले बाल ठाकरे वक्त के साथ बदलती राजनीति को महसूस करने लगे। बूढ़े होते बाल ठाकरे अपनी आंखों के सामने अपने तिलस्म को टूटते हुए देख रहे थे, लेकिन सत्ता का मिजाज अब बदल चुका था। सियासत की विरासत सौंपने का संकट भी उनके सामने था। बाला साहब ठाकरे के दबाव के चलते उद्धव ठाकरे 2002 में बीएमसी चुनावों के जरिए राजनीति से जुड़े और इसमें बेहतरीन प्रदर्शन के बाद पार्टी में बाला साहब ठाकरे के बाद दूसरे नंबर पर प्रभावी होते चले गए। पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करते हुए जब कमान उद्धव ठाकरे को सौंपने के संकेत मिले तो पार्टी से संजय निरुपम जैसे वरिष्ठ नेता ने किनारा कर लिया और कांग्रेस में चले गए। 2005 में नारायण राणे ने भी शिवसेना छोड़ दिया और एनसीपी में शामिल हो गए। बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी माने जा रहे उनके भतीजे राज ठाकरे के बढ़ते कद के चलते उद्धव का संघर्ष भी खासा चर्चित रहा। यह संघर्ष 2004 में तब चरम पर पहुंच गया जब उद्धव को शिवसेना की कमान सौंप दी गई, जिसके बाद शिवसेना को सबसे बड़ा झटका लगा जब उनके भतीजे राज ठाकरे ने भी पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। राज ठाकरे उसी चाल पर चलना चाहते थे जिस धार पर चलकर बाल ठाकरे ने अपनी उम्र गुजार दी। 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे ने अपने घर के बाहर अपने समर्थकों के सामने घोषणा की, मैं आज से शिवसेना के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ, पार्टी क्लर्क चला रहे हैं, मैं नहीं रह सकता। 2009 की दशहरा रैली में जब बाल ठाकरे के सामने आए तो पोते आदित्य को भी सियासी मैदान में उतार दिया। हालांकि राज ठाकरे का पार्टी छोड़कर जाने का दुख बाल ठाकरे को हमेशा रहा। वहीं उद्धव ठाकरे पॉलिटिक्स में आने से पहले एक लेखक और फोटोग्राफर के तौर पर पहचान रखते थे। 2012 में बाल ठाकरे की मौत के बाद उद्धव ठाकरे पार्टी के लीडर बने और फिर 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद नाटकीय घटनाक्रम से गुजरते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई और राज्य के मुखिया बने। बहरहाल ऐसा चरित्र जिसके बारे में कोई दावा नहीं कर पाया कि वो ठाकरे को अच्छी तरह से जानता है, समझता है। बाल ठाकरे हमेशा एक अबूझ पहेली बने रहे और अहम भरे आत्मविश्वास का पूरी दुनिया को लगातार एहसास भी कराते रहे। तो आज हमने बाल ठाकरे के कार्टूनिस्ट से देश की राजनीति के फलक पर छाने की कहानी आपको बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।